दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, कई बार क्या होता है आपका या आपके बच्चे का कई बार क्या होता है, सफेद चने खाने का मन होता है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते कि काश मैंने रात को भिगो दिए होते तो हम खा लेते। लेकिन दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स है जो हम फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से अपने किचन की रानी बन सकते हैं। कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेसिपी पर। बन चुकी है आपके साथ आपकी दोस्त मनप्रीत। तो आइए दोस्तों जानते हैं, अगर हमारा अचानक से करता है कि हम सफेद चने बनाएं सब्जी में तो हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको गर्म पानी लेना है। उस गर्म पानी में जितने भी आपने सफेद चने बनाने हैं आप उनको उसमें भिगो के रख दीजिए। आप आधा घंटा भिगो के रखिए, देखना जो वो चने हैं वो फूले फूले होंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने रात भर उनको भिगो के रखा हुआ है और आप उसे आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों आप कैसे अपने किचन की रानी बन सकती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों कई बार क्या होता है, जो दालें होती है ना उनमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। दालें लगा लो या फिर ड्राई फ्रूट लगा लो, उनमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम उनको कैसे सेफ रख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ड्राई फ्रूट को सेफ रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जो उनमें कीड़े नहीं लगेंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। और जो दालें होती हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसमें नीम के पत्ते रख सकते हो। बिल्कुल नीम की पत्तियां जो होती हैं उनको आप धूप में सुखाइए। सुखाने के बाद आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी दालों में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे दालों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि अचानक से हमें याद आता है कि हाय रब्बा हमने तो दही ही नहीं जमाया, अब क्या करें। लेकिन दोस्तों पता है बहुत कम समय में आप दही जमा सकते हैं। कैसे जमा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने गर्म दूध लेना है, ज्यादा गर्म नहीं करना, गुनगुना दूध लेना है। उसमें आप एक चम्मच दही का जो खट्टा होता है उसको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर लेना है। उस कुकर में आपको जो चीज में आप दही जमा रहे हैं वो चीज आपको या कोई बर्तन जिसमें भी आप जमा रहे हैं वो बर्तन आप उस कुकर में रख दीजिए। उसके बाद उस कुकर का जो ढक्कन है वो अच्छे से बंद करके रख दीजिए। देखना आधे घंटे में या 15 मिनट में ही आपका जो दही है वो जम जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट जमेगा। ये तो कुछ ऐसे टिप्स जो हम फॉलो करेंगे तो हम जरूर अपने किचन की रानी क्वीन बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी और भी बातें लेकर आती रहूंगी आपके अपने चैनल यस टीवी पर, इसलिए जाना कहीं नहीं है, बने रहना है इस चैनल के साथ। फिर मिलेंगे और कुछ बातों के साथ आपके इस चैनल में। नमस्ते।